हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सभी गाड़ी में बैठ के कहीं तो निकल रहे हैं। सो बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जाने का प्लान हमारा अचानक ही बना और आज है सैटरडे और हम लोग वहाँ पर एक नाइट स्टे करने वाले हैं। सो बस अब निकल रहे हैं हम लोग। बोलो बाकी बिहारी जय। चलो भगवान करे अच्छा ट्रिप हो, बहुत अच्छा हो। वृंदावन धाम जाने का प्लान हमारा बहुत दिनों से बन रहा था। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि चलेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान बनाते हो, जब तक बुलावा नहीं आता आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। सो ये यहाँ का प्लान बहुत टाइम से बन रहा था और फाइनली आज पतिदेव जी और इनके फ्रेंड दोनों का ही मूड बना कि नहीं नहीं चलते हैं। और बाकी राधा रानी का भी बुलावा था कि जो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया और फाइनली हम निकल गए। सो यहाँ पे मुझे ऑडियो को म्यूट करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था कार में और वो ऑफ़ करना पतिदेव जी भूल गए और वो बातें करने लगे। सो यहाँ पे पतिदेव जी पूछ रहे थे कि आज क्या क्या लेके आए हो तुम लोग खाने पीने का। सो हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो हम लोग घर से कुछ चीज़ें पैक करके निकलते हैं, लाइक चाय वगैरह और नाश्ता कुछ खाने का, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम घर की चीज़ें खा पाएँ और बाहर का हमें कम खाना पड़े। क्योंकि बाहर का आपको पता है कि बाहर की चीज़ें खाने से नुकसान तो होता ही है और साथ साथ तबीयत वगैरह का भी, बच्चों का और प्लस हमारी भी तबीयत। सो इसलिए हम कोशिश करते कि घर की चीज़ें ज़्यादा खाएँ। सो यहाँ पे सबसे पहले तो लड्डू को दूध दिया जो कि मैं घर से ही लाई थी, 2 टाइम का दूध उसके लिए। और फिर यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाया गया और हम लोग वॉशरूम गए। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो वॉशरूम का बहुत इशू होता है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर मैं घर से भेल का पूरा सामान रेडी करके लाई थी, इसमें बस सब्जियां काट के डालनी थी, लाइक टमाटर प्याज और ये सारी चीज़ें डालनी थी। और फिर चाय भी बना के लाए थे घर से। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया और घर से लाई हुई भेल और साथ में चाय और बिस्किट ये सारी चीज़ें खाई। सो जो आप घर पे बाहर से ख़रीद के तो सब खा सकते हैं पर जो घर से आप ला के खाते हो ना बाहर की ट्रिप में, उसका जो मज़ा है ना वो सच में बहुत ज़्यादा आता है। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन और अभी रात के कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। और जिस होटल को हम लोग चाह रहे थे जहाँ मिल जाए वो फुल है, सो वहाँ हमें नहीं मिला है। सो अभी दूसरे होटल में आए, ये भी वैसे ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है होटल, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और अगर यहाँ मामला सेट हो गया तो लड्डू हम लोग अंदर जाएंगे ना, है ना लड्डू? तुम्हें ये कैसा लग रहा है होटल? ये देखो है होटल श्री राधा निकुंज और ये प्रेम मंदिर के पास में ही है। सो पतिदेव जी अभी अंदर गए हुए हैं, देखते हैं क्या बात होती है। चलो जैसा भी होगा लड्डू और मम्मा आपको अपडेट करेंगे ना लड्डू। सो यहाँ पे फाइनल हो गया था। सो ये बता देती हूँ, होटल का नाम है श्री राधा निकुंज और यहाँ ये होटल प्रेम मंदिर के एकदम सामने है और पर नाइट का यहाँ का जो फेयर है वो है 3000 रुपीज़। सो अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो ये यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कम करा सकते हैं। हमने 2 रूम लिए थे इस वजह से इन्होंने शायद हमारे 200 रुपीज़ छोड़े थे। और ये होटल जो है वो ठीक ठाक सर्विस है, अगर मैं इसे 5 में से रेट करूँ तो मैं इसे 3 रेट करूँगी। बट हाँ, इसका जो बेनिफिट है यहाँ पे रुकने का वो ये है कि प्रेम मंदिर के एकदम सामने हैं। सो प्रेम मंदिर तक जाने के लिए आपको कोई कन्वेंस नहीं, आप वॉकिंग डिस्टेंस सामने ही दिखता है होटल के। फिर से घूम आ जाओ। सो होटल के रूम में एंट्री करने के बाद हमने रूम को पूरा चेकआउट किया कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। 3000 के हिसाब से होटल रूम को अगर रेट किया जाए तो 5 में से 3 ही स्टार दूंगी। क्लीन वगैरह तो था बट मुझे बाथरूम में क्लीनिंग थोड़ी सी कम लगी, सो इस वजह से मैं इसको 3 स्टार दे रही हूँ। बट हाँ, अगर यहाँ के स्टाफ सर्विस की बात की जाए तो 5 में से 4 है क्योंकि स्टाफ की सर्विस अच्छी है। फिर से लड्डू, फिर से
से लड्डू, फिर से सो यहाँ पे हम सब रूम में आने के बाद एक ही रूम में बैठे थे और बातें बातें कर रहे थे। तो जब आप बाहर निकलो तो यही होता है, जो आप टाइम स्पेंड करते हो साथ में ना, ये अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है सबकी लाइफ में, जो घर पे रह रहे हैं उनकी भी लाइफ में, लाइक हम लोगों की भी लाइफ में, और हस्बैंड्स की भी लाइफ में, उनकी भी लाइफ में चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम लोग खाना जो था वो घर से लाए थे। सो सबसे ज़्यादा स्पेशल जो है इस व्लॉग में वो यही है कि हम घूमने जा रहे हैं फिर भी हम खाना घर से लाए थे। हमने यहाँ पर सब्ज़ी ली थी, बाकी कॉर्न राइस, फ्राइड राइस टाइप का मैं घर से लेके आई थी, और साथ में पराठे इनकी फ्रेंड की वाइफ ने बनाए थे, वो थेपले टाइप थे तो बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हम लोगों ने अचार वगैरह, हम लोग ये सब कुछ घर से लाए थे। तो ये एक तरीके का पिकनिक भी हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और बाहर निकल के घर का खाना और ऐसे छोटा सा, मतलब नहीं होता, अच्छा लगता है काफ़ी। और चाय वगैरह तो हम रूम में ही बना सकते थे, तो हमें वैसे पीनी नहीं थी रात में, बट हाँ अगर हमें पीनी होती तो वो हम रूम में बना सकते थे। और साथ में बस हमने ये एक सब्ज़ी मंगाई थी, राइस हम घर से लेके आए थे, और पराठे भी हमारे पास थे जो कि घर के ही बने हुए थे। तो ये इससे क्या फ़ायदा रहता है कि पेट वेट ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है बारिश का टाइम है, बाहर का खाना बहुत सेफ नहीं होता। हाँ आप थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है, बाहर निकल के सब कुछ तो घर का नहीं खा सकते। हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग निकले हैं टहलने के लिए। और ये जो है होटल, ये है हमारा होटल का बाहर से जो भी व्यू है, और हम सब साथ में जा रहे हैं टहलने, और देखते हैं अभी प्रेम मंदिर के बाहर क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये जो होटल है प्रेम मंदिर के पास में ही है। कुछ कहना चाहते हैं? नो। एनी कमेंट्स? नो कमेंट्स। मेरे व्लॉग में आते ही पता नहीं मेरे स्पीच के, होटल से बाहर आते ही सामने प्रेम मंदिर है। कितने अच्छी लोकेशन पे हमारा होटल है कि एकदम सामने ही प्रेम मंदिर है। ये रहा प्रेम मंदिर और ये रहा होटल। सोचो बढ़िया जगह पर, अगर दो तीन दिन रुकते तो बहुत अच्छा है। पार्किंग का देखो गेट भी है, शांति भी है। है प्रेम मंदिर और ये देख सकते हैं आप, ये रहा होटल जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। सो एकदम पास में ही है, दूर नहीं है, और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और इनकी पार्किंग भी है, सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आज का मून भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो वृंदावन कई बार आ चुकी हूँ, पर इनके साथ मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, है ना? हम सेकंड टाइम साथ में आए, और ये लड्डू के साथ फर्स्ट टाइम है। लड्डू के साथ मैं कई बार वृंदावन आ चुकी हूँ, पर हम तीनों साथ में नहीं आते जल्दी। मतलब ऐसा हो ही नहीं पाता था, मैं अपने मायके से आती थी और इनको छुट्टी नहीं मिल पाती है तो आ ही नहीं पाते। बट ये प्लान हमारा ऑल ऑफ अ सडन बना, और बहुत अच्छा प्लान बना क्योंकि हमें वृंदावन आने का मौका मिला। तो मैं यहाँ पे पान खा रही थी बाहर आके, बताओ यहाँ पे फ्लैश डिटेक्ट कर रहा है जहाँ ज़रूरत नहीं है। सो जब बाहर जाओ तो बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना होता है, सो मैं घर से अपना खुद का कैटल लाई थी। हालांकि होटल्स में कैटल्स मिल जाते हैं, बट फिर भी मैं कैटल लाई थी, विम लिक्विड लाई थी, ब्रश लाई थी, सो दैट मैं वॉश कर सकूँ। और यहाँ पे जो मैं दूध लाई थी वो गर्म कर रही हूँ लड्डू का, ताकि मैं उसे रात के लिए भी दे दूँ। और इसी तरह से मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।